my channel. So this is the day 7th look. And this is a really different from others look. Mata Kalratri look. And the theme is purple. Actually, I was a dress nahi purple koi. So I decided ki pink or purple ka mix up karke look create kiya jaye, and that's the look. This is the really amazing and different look of the Navratri series. Kyunki aisa maine look create nahi kiya tha cut crease wala, and this is the really tough eye look of the series. And this looks so damn pretty. This nailed my look so much. I'm so in love with this look. I'm so obsessed with this look. And the lips is like I mix up with two lips color and make a pretty lip with a gloss. And बेस तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है. तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो लवली, सबसे पहले चलो मॉइस्चराइज कर लेते हैं अपने फेस को. तो मैंने यहाँ पे एप्पल साइडर मॉइस्चराइजर लिया है जो आपके स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप कर देगा, मेकअप रेडी कर देगा. एंड थोड़े से नेक पे भी लगा लो इफ़ यू आर अप्लाइंग एनी फाउंडेशन देयर. तो आप नेक पे लगा लो. उसके बाद यहाँ पे मैंने पर्पल का 24 के गोल्ड प्राइमर लिया है टू मिनिमाइज माय पोर्स एंड लुक्स माय स्किन सुपर सुपर स्मूथ. एंड देन यहाँ पे मैंने स्विस बेरी का कंसीलर लिया है. सबसे पहले यहाँ पे हम आई लुक क्रिएट करेंगे. एंड मैंने यहाँ पे अंडर आइज में भी लगा लिया है. एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अच्छे से बेस को ब्लेंड कर रही हूँ. इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर आई लुक्स. एंड आई एम गोइंग टू मेक अ हैवी आई लुक इन दिस वीडियो, सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट स्टेप इज आईब्रोज. तो मैंने स्पूल की हेल्प से अपने आईब्रोज को सेट कर लिए हैं. एंड देन उसके ऑपोजिट पार्ट से मैं अच्छे से एक शेप दे रही हूँ. जो मेरे आईब्रोज की शेप है ऑलरेडी, मेरे को फिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट्स ऑलरेडी थिक एंड लुक्स सुपर नाइस. आपके अगर थे ना तो यू कैन गो फॉर लाइक आईब्रो पेंसिल्स. एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे इनसाइड के बनाना पाउडर से अपने बेस को पूरा अच्छे तरह से बेक कर दिया है. इट्स रियली इम्पोर्टेंट यार बेक करना. और यहाँ पे एक मोटा सा लेयर बना रही हूँ मैं बेक पाउडर का, ताकि मेरी कोई भी आई शेडो की डस्ट है वो उसके ऊपर जाए और मैं अच्छे से डस्ट ऑफ कर सकूँ. देन उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विस बेरी का आई शेडो पैलेट लिया है एंड उसका एक पर्पल शेड है. ऑफकोर्स दिस इज द पर्पल थीम, सो आई पर्पल यू. मैंने यहाँ पे एक पर्पल शेड लिया है और उसको मैंने एक सामने से करके मैं पीछे तक उसको लेके गई हूँ. आई टोल्ड यू दिस इज अ हैवी आई लुक, सो दिस विल बी लिटिल डिफिकल्ट बट यू कैन प्रैक्टिस आउट एंड यू कैन फिगर आउट दिस लुक. देन मैंने यहाँ पे एक पिंक कलर का आई शेडो लिया है और मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है दोनों आई शेडोज को. एंड जैसे मैंने पर्पल को बाहर लेके गए वैसे इसको भी बाहर लेके जाना है. और यहाँ पर मैं कट क्रीज बना रही हूँ जो बाहर तक लेके जाना है मुझे इसको. एंड कट क्रीज बनाना इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी. जस्ट आपको ऊपर देखना है एंड जहाँ तक आपकी लाइन्स आएंगे ना वहाँ तक आपको कंसीलर की हेल्प से कट क्रीज बना देना है. उसको वहाँ तक लेके जाना है मुझे और अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि मुझे उसमें आई शेडो लगाने में प्रॉब्लम्स ना हो. और आप देख सकते हो मेरे कट क्रीज कितने ईजीली से बन गए हैं और मैंने ऊपर की साइड में भी उसको अच्छे से क्लीन अप कर दिया है. कंसीलर इज़ रियली हेल्पफुल फॉर क्लीनिंग अप द मेस. देन उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्पल शेड लिया है, ये द सेम पर्पल शेड. तो यहाँ पे ना पर्पल और पिंक दोनों का मिक्सअप करके लगाना है. जैसे मैंने ऊपर साइड में लगाया था वैसे आपको कट क्रीज में भी लगाना है. तो दोनों का मिक्सअप करके एक ब्यूटीफुल सा शेड आ जाता है जो आप ऊपर देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा शेड आया है.
और अच्छे से ये कॉम्बिनेशन सेट कर गया है एंड मैंने अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया है। और मैंने सामने का पार्ट छोड़ रही हूँ, जस्ट मैं मिडिल एंड लास्ट के पार्ट को थोड़े ट्रायंगल से किया है। एंड देन मैंने यहाँ पे वायलेट कलर का ग्लिटर लगाया है। वायलेट एंड पर्पल इज सेम कलर राइट, सो मैंने ग्लिटर लगा लिया अच्छे से। और यहाँ पे फिर से ना मैंने P14 ब्रश की हेल्प से कंसीलर लिया है एंड एक लाइन बना रही हूँ मैं, क्योंकि वो ना दोनों कवर अप हो गया था, आई शेडो से दिख नहीं रहा था मेरा कट क्रीज, इसलिए मैंने अच्छे से इसको फिर से शेप दे दिया है। एंड देन यहाँ पे ये वही एक सिल्वर आईलाइनर लेके मैंने हाईलाइट कर दिया है जो कट क्रीज है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 36H स्केच आईलाइनर लिया है इन द शेड ब्लैक, और ये सच में बहुत इजीली बन जाता है एंड इसकी पिगमेंटेशन इज वेरी हाई एंड दे आर सुपर अफोर्डेबल टू। मैं सारे प्रोडक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो चेक इट आउट। तो मैंने यहाँ पे एक आईलाइनर बनाना है नॉर्मल सा, और यहाँ पे मैं आपको लैशेस लगाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले है कैलिस का मैग्नेटिक आई लैशेस लिया है। तो सबसे पहले ना मैंने नाप के देखा कि ये मेरा आईलैशेस पे फिट हो रही कि नहीं, जितने नहीं होते उसको मैंने कट कर दिया सामने से। एंड देन मैंने आई लैशेस में ग्लू लगाया है और अपने आई लीड में भी ग्लू लगा लिया है। उसके बाद ग्लू ना फ्री इसके साथ ही आते हैं, तो आई लैशेस जो है उसको ऑलमोस्ट सूखने देना है लाइक 2-3 मिनट्स। उसके बाद अपने आईलिड पे लगा लो अच्छे से और उसको अपने रियल एंड फेक लैशेस दोनों को प्रेस करो। और ये ना मैग्नेटिक लैशेस है तो वो एकदम अच्छे से इजीली से चिपक जाते हैं। फिर मैंने इसको अच्छे से लगा लिया यहाँ पे, और मैंने फिर ऊपर से ना आईलाइनर लगा लिया है यहाँ पे, क्योंकि कुछ कुछ वॉमिट गया था इसलिए। देन यहाँ पर मैंने मस्करा लिया है मेबेलिन ग्लॉस का, दोनों मैंने नीचे से किया है रियल और फेक वाले को अच्छे से दोनों लिफ्ट अप हो जाए इसलिए। तो वैसे ही आपको लगा लेना है अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर मैंने ब्लू आईलाइनर लिया है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 36H स्केच आईलाइनर। थोड़ा सा मैंने सोचा था क्यों ना ऊपर से उसको थोड़ा और क्रिएटिव बनाया जाए, तो मैंने थोड़ा बहुत किया बट उतना ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं आया इसका, आई डोंट नो व्हाई। सो मैंने पे डस्ट अप कर लिया है सारे अपने और उसको एंड जो आई शेडोज के पार्टिकल्स आए थे उन सबको भी। एंड यहाँ पर मैं कंसीलर की हेल्प से ना अपने फेस को लिफ्ट अप कर रही हूँ, अपने आईलू को भी लिफ्ट अप कर रही हूँ। यहाँ पर कितना अच्छे से लिफ्ट अप हो जाता है ये प्रोसेस करने से, लाइक ये स्टेप करने से। तो मैंने अंडर साइज को भी अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया है, दोनों तरफ के अंडर आइज को ब्लेंड आउट कर लिया है अच्छे से। नेक्स्ट स्टेप इज द फाउंडेशन। तो यहाँ पे मैंने सुपर अच्छी मेबेलिन का फाउंडेशन लिया है और मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके अपने फाउंडेशन को ओवरऑल फेस में लगा रही हूँ एंड नेक पे लगा रही हूँ थोड़ा सा, और आई विल ब्लेंड इट आउट विद अ ब्यूटी ब्लेंडर अच्छे से। एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर को लो, उसकी सारे एक्सेस वाटर निकालो और अच्छे से इसको ब्लेंड आउट करो, और देखो कितना अच्छे से फुल कवरेज दे देता है ये फाउंडेशन। दिस फाउंडेशन इज रियली नाइस एंड सूट्स माय स्किन टोन्स वेरी वेल। और यहाँ मैंने नेक पे भी लगा लिया है थोड़ा बहुत और अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो फिर यहाँ पे ना नीचे के पार्ट में लगाना है आई लीड के, तो मैंने सेम वायलेट और पिंक को मिक्सअप करके एक शेड बनाया, और मैंने सेम आई शेडो पैलेट से ब्लश भी लगा लिया। सोचा मैंने ट्राई करते हैं क्यों ना, तो बहुत अच्छे से कलर आ गया था इसका, पिगमेंटेशन भी बहुत प्यारा सा आया था इसका। एंड देन मैंने स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाईलाइटर लिया इन द शेड पिंक रोज, एंड दिस हाईलाइटर इज करेंट फेवरेट एंड आई एम सो ऑब्सेस्ड विद दिस हाईलाइटर, इट्स रियली रियली नाइस यार। तुम थोड़ा सा लगाओ और ये कितना प्यारा सा ग्लोई दे देता है, हाईलाइट कर देता है अपने फेस को बहुत ज़्यादा ही। ज़िंदगी में तो हाईलाइट है ही नहीं, तो इसको ही देखे अपने फेस को हाईलाइट कर दो। तो यहाँ पे मैंने एक लिपस्टिक एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने यहाँ पे डार्क लिपस्टिक लिया है, दिस इज शुगर लिक्विड लिपस्टिक स्मच मी नॉट बेर्जियन क्वीन नाम है, आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग राइट और रॉन्ग आप करना। उसके बाद मैंने यहाँ पे शुगर मैंने लिपस्टिक लिया है अगेन, तो ये शेड है वाइन एंड शाइन, एंड मैंने दोनों को मिक्सअप किया है और
इतना प्यारा सा शेड आ गया है, मुझे तो कुत्ते इनसाइड इतना प्यारा सा आएगा। देन आई एम अप्लाइंग इनसाइड ग्लॉस एंड दिस इज अ रियली ब्यूटीफुल ग्लॉस, सो लोगों मिलते रेडी हो गए। पार्टी वगैरह में तो इट्स लाइक फायर एंड ओवरऑल दिस मेकअप इज अ जेम, ब्यूटीफुल आई लुक विथ अ स्मूदी बेस एंड स्मूदी एंड अ ग्लोई बेस विथ अ डिफरेंट लिप कलर विथ अ ग्लॉस एंड this is my entire Saptami look. I hope you love this look and I'm एकदम totally obsessed इस look से. And what else I say about this look, this is killing it. So अब नवरात्रि सीरीज का सिर्फ 3 ही look बच गया है, so yeah, तीनों ही look बहुत धमाकेदार होने वाले हैं. ये सब लोग तो थे ही, बट तीनों जो टॉप 3 है ना लास्ट के, दिस विल बी अ रॉकिंग एंड इतने ज़्यादा प्यार दे रहे हो आप नवरात्रि सीरीज को, सो आई एम सो हैप्पी सो हैप्पी सो हैप्पी. सो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स दे दूँगी, सो चेक सो एंड परचेज यू एंड आई होप मेरा ये सप्तमी लुक आपको पसंद आया होगा. So if you like this video then please give me a big thumbs up and I'd appreciate me a lot. Subscribe my channel, press the bell icon ताकि मेरे हर new videos आपको सबसे पहले पहुँच सके. And comment below, share as much as can. Keep loving, keep supporting and stay healthy, stay safe. और ऐसे ही प्यार बनाए रखो और support करते रहो. So, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. बाय.